ये है जम्मू कश्मीर का लक्ष्य। हम आपको गलवान फेस ऑफ पॉइंट पे लेके जाने वाले हैं, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक है। भारत और चीन की सीमा को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, हालांकि ये कोई ऑफिशियली डिसाइडेड सीमा नहीं है। वहां पर गलवान घाटी के नजदीक इस वक्त जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, वहां पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कुल मिला के ये जो लड़ाई है, ये इस सड़क को लेकर भी है, जो कि दौलत बेग ओल्डी से निकलकर दरबुक से आती है, जो कि शोक नदी, ये नीली जो लकीर है ये शोक नदी है, इसके इर्द गिर्द उसके एकदम साइड साइड पे हम लोगों ने ये DSDBO रोड बनाई है 323 किलोमीटर लंबी। ये जो नीली आप लाइन देख रहे हैं, ये गलवान नदी है और ये नीली लाइन शोक नदी है। इसको मौत की नदी कहा जाता है, क्योंकि कई सारे कारोबारी इसमें गिर जाया करते थे गर्मियों में, जब वो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे शिनजियांग। यहाँ पे है फ्लैश पॉइंट 14, जो कि वो जगह है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहां पर ये इनकाउंटर हुआ, जहां पर ये क्लैश हुआ, वहां पे अब मैं आपको लेके चलने वाला हूं। आइए तीसरी तस्वीर में आते हैं, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि दरअसल हो क्या रहा है। तो यहां पर हैं दो चाइनीज पोस्ट, ये उनकी पक्की सड़क है। तो इस पक्की सड़क के रास्ते चाइनीज आर्मी अपनी गाड़ियों को लेकर, अपने हथियारों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर एकदम ठीक PP-14 की तरफ आ गई थी। पीपी मतलब पेट्रोल पॉइंट 14, इसको सेना की भाषा में कहा जाता है। भारत ने भी यहाँ से बिल्डअप किया, तो ये हम लोगों के वैसे पोस्ट हैं, नदी को पार करके हमने इस इलाके में बिल्डअप किया। ये एक घाटी का इलाका है, यहाँ पर हमारा बिल्डअप था और यहाँ पर चाइना का बिल्डअप था। लेकिन किस तरह का बिल्डअप था, कितना बड़ा बिल्डअप था, अभी आपको वो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखने वाला है। ये थोड़ा और नज़दीक का एक शॉट है, जिसमें ये दिखता है कि ये संगम है दोनों नदियों का, गलवान और शोक की नदी का, और हमारे जो सैनिक हैं वो नदी के किनारे किनारे यहाँ पर आ गया है। चाइना के जो सैनिक हैं वो यहाँ यहाँ से इधर की तरफ आए, और ये बन गया फ्लैश पॉइंट PP-14। आइए अब तैयार हो जाइए, हम आपको दिखाते हैं पहली दफ़ा। ये बेहद हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर है, यानी कि इसको बहुत ही जूम किया जा सकता है, करीब 1-2 मीटर में नीचे क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं सैटेलाइट से। तो जो भी दावे पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हो, सरकारें कर रही हो, उससे कहीं दूर आप खुद अब आज तक पे देख पाएंगे कि इस फ्लैश पॉइंट 14 पे इस वक्त की तस्वीर क्या है। 24 घंटे भी नहीं हुए इस तस्वीर को लिए, जो अब आप आज तक पे देखने वाले हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है पहली तस्वीर, और इसमें फिर मैं जूम करने वाला हूँ। जो कुल मिला के मैंने आपको दिखाया कि यह है वो इलाका जहाँ से इंडियन आर्मी ने अपना बिल्डअप किया था, यह है वो इलाका है जहाँ से चाइनीज आर्मी आई थी, और यहाँ पर है फ्लैश पॉइंट 14। अब जैसे ही मैं जूम इन करना स्टार्ट करता हूँ, तब आपके सामने दरअसल पूरी तस्वीर आनी शुरू होती है। ये जो गाड़ियाँ हैं, ये चीन की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे इस नक्शे में आते हैं, ये देखिए आप कितना बड़ा और कितना जबरदस्त चीनी बिल्डअप है, कितना बड़ा ये झूठ चीन के सैनिक, चीन के जनरल बोल रहे हैं, जहां वो कहते हैं कि हम डिसइंगेज कर रहे हैं, हम अपनी सेना को पीछे भेज रहे हैं, सरासर झूठ यहां से स्टार्ट होता है। आप देखिए आपके सामने है, इसमें कुछ छिपाया नहीं जा सकता, कुछ दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि चीन की हरकत कैमरे के सामने है, सैटेलाइट इमेज पे कैप्चर है। यहां से चाइना का बिल्डअप स्टार्ट होता है। अब आप देखिए कितना बड़ा ये बिल्डअप है, क्योंकि नदी के किनारे किनारे इनके हट्स भी हैं, इनके मोटर व्हीकल्स भी हैं, इन्होंने कुछ टेंट भी बना रखे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में आप देखें तो ये देखिए बहुत बड़ी तादाद में इस इलाके में चाइना का बिल्डअप है। ये बात सही है कि आगे बिल्डअप थोड़ा कम है, यहाँ पे केवल ये चार गाड़ियाँ, चार स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर और कम है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो आपको दिखेगा ये है इंडिया का बिल्डअप। देखिए ये यहाँ पर है अब इंडिया का बिल्डअप, और हमने जो वादा किया था कि हम डिसइंगेज करेंगे, अपनी सेना को पीछे खींचेंगे, हूबहू उसी तरीके से हमने 6 जून के कोर कमांडर्स की बातचीत के बाद अपने सैनिकों को पीछे किया और हमने डिसइंगेज करना स्टार्ट किया। यही तो चर्चा हुई थी लोकल टैक्टिकल लेवल पर कि डिसइंगेजमेंट स्टार्ट होगी, जब कर्नल बाबू ने देखा कि चाइनीज शायद डिसइंगेज नहीं कर रहे, तो इस इलाके से निकलकर अपनी एक वेरिफिकेशन पार्टी, और वेरिफिकेशन पार्टी बहुत छोटी पार्टी होती है, छोटी टुकड़ी के साथ आगे गए। ये देखिए इस इलाके में इस नदी के साथ, आप सोचिए कि ये दोनों तरफ पहाड़ हैं, बीच में गलवान नदी है। गलवान नदी का नाम एक लद्दाखी ट्रेडर कारोबारी होते थे ब्रिटिश एम्पायर में, जब ब्रिटिश आर्मी के सैनिक आते थे उनके साथ वो ट्रेडिंग करने जाया करते थे, इसलिए नदी का नाम गलवान नदी पड़ा, रसूल खान गलवान। तो उस के साथ साथ अगर हम लोग आते हैं तो वो आए बताने के लिए कि आपका बिल्डअप तो नहीं गया है। तो इस इलाके में फिर फ्लैश पॉइंट हुआ, ठीक इस इलाके में दोनों सैनिकों के बीच में क्लैश हुआ। अब आप देखें, और ऐसा क्यों हुआ कि कुछ जो सैनिक हैं वो नदी में गिर गए, वो इस वजह से कि ये इतना, अगर आप सोचिए कि कुछ भारत के सैनिक जाते हैं
वहाँ पे सामने उनको चाइनीज आर्मी दिखती है, उनके बीच में अब वो बेसबॉल बैट हों, उस पर बार्ड वायर्स नुकीली तार लगी हुई हैं, साथ ही साथ डंडे हैं, हथौड़े हैं, और इनके साथ लड़ाई चल रही है। और हमारी तो एक छोटी सी वेरिफिकेशन पार्टी गई थी कहने के लिए कि भाई आपने वादा किया पीछे जाइए। जब ये देखा कि स्थिति बेकाबू हो रही है और सैनिक आए, भारत के सिक्स बिहार के और सैनिक आए, और फिर वहाँ पे दोनों सेनाओं के बीच में काफ़ी देर तक वायलेंस चलती रही, जिसमें तीन सैनिकों की तो वहीं पे, एक कर्नल की और दो सैनिकों की वहीं पे मौत हो गई, और कुछ जो हमारे सैनिक हैं वो नदी में भी गिर गए। और ये जो पानी है वो बहुत बहुत ही ठंडा पानी है, सब जीरो टेम्परेचर, इसलिए जब आप पढ़ेंगे तो जो आर्मी की तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें कहा सब जीरो टेम्परेचर, वो इसलिए क्योंकि कुछ सैनिक नदी में भी गिर गए। काफी छोटा सा इलाका है नदी के बीच का जहां पर ये हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।